लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। करंट लगने से हुई किसान की मौत, मामला सीधी जिले के कमरजी थाना अंतर्गत ग्राम हिनौता की, जहां किसान ब्रिजलाल पटेल पिता भागीरथी पटेल अपने बैलों को लेकर खेत की तरफ जा रहे थे। रास्ते में बिजली का तार टूट कर गिरा था, जो उन्हें दिखाई नहीं दिया, जिसमें बैलों सहित किसान ब्रिजलाल पटेल फंस गए और उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। मौके पर मौजूद ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि बरिकवा निवासी राम सागर पटेल पिता राम स्वरूप पटेल, जिनका खेत हिनौता गाँव में है, वहाँ पर उनका निजी ट्यूबवेल है, जिसे चलाने के लिए दूर से तार खींच कर लाया गया है, जो तार खुला हुआ है और सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं। कल रात पानी गिरने की वजह से खुला हुआ बिजली का तार रास्ते पर गिर गया था, लेकिन उनके द्वारा उसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिसके तार में फंसने की वजह से उक्त किसान ब्रिजलाल पटेल की मृत्यु हो गई। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि तार करीब 4 सालों से इसी तरह लगा था, इस कारण कई बार छोटी मोटी दुर्घटनाएं होती रहती थी और ग्रामीणों द्वारा कई बार राम सागर पटेल से इस बात को लेकर कहा सुनी भी हुई और कई बार इसकी शिकायत संबंधित विभाग को भी दी गई, लेकिन ना तो विभाग के द्वारा और ना ही राम सागर पटेल द्वारा इस पर कोई उचित कार्रवाई की गई। ग्रामीणों द्वारा यह भी कहा गया कि राम सागर पटेल अपनी रसूख और ऊंची पहुंच के कारण लापरवाही की वजह से आज एक किसान की मौत हो गई। अब सवाल ये उठता है कि इस लापरवाही का जिम्मेदार आखिर कौन है, संबंधित विभाग या राम सागर पटेल। R9 भारत के लिए सीधी से ब्यूरो चीफ राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। आज ब्रिजलाल पटेल करंट में फंसकर करंट मारने की वजह से उनका देहांत हो गया है, उनकी बॉडी को PM के लिए भेज दिया है। आइए पूछते हैं, देखते हैं। आपका नाम? हीरा हुआ पटेल। क्या देखा आपने? देखे ना, ये घेर ओपर लगावत रहे न, दूरी पहले रहे हुई तो दाकिन बढ़दा हो रे करी तक, अच्छा दाकिन तो निहार हैं हम, तो कहें भी जला ला ही जला हम खेत को बढ़ा रहे। अतने में जब करंट लगे पहुँची हुई तो बर्दा गिरी हो गिरी है, तब हम अपने भतीज के उनका कही थे कि दादू धावा 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 बिजलाल का बर्दा बाटा इस हो गया, कार वाली कहानी कहा जाने के तार आए कि कहा जाए। अब जब नियरे जाए के देखी थे तो फंसे रहा, नियरे गए देखा कि तार लगा रहा है। हाँ, तार लगा रहा। कौन एक कौन किसान, कोई किसी किसान का खेत में तार गया था, कनेक्शन किया था वो खुले तार से? क्या नाम है उनका? राम सागर पटेल कनेक्शन किए थे खुले तार से? खुले तार से राम सागर पटेल कनेक्शन किए थे? हाँ जी, आई तार खुले तार से राम सागर पटेल कनेक्शन किए थे और यहाँ आए और देख के चले गए, पास में भी नहीं आए देखने के लिए। और मरने वाले कितने टाइम पर, वो ये घटना कितने समय की है? करीबन 7 बजे के आसपास की घटना है। 7 बजे जी, जब वो वहाँ पर ये घटना हुई तो आप थे वहाँ? वहाँ पे हाँ, मैं दूर खड़ा था, दूर में देख रहा था, दूर से उसमें करंट में लपट के वो तड़प रहे थे और वो आया हुआ था यहाँ पर, देख के चला गया, वो पास में भी नहीं गया जिसकी लाइट लगी हुई है। वो जैसे कि दिख रहा है यहाँ पर खुले तार से उन्होंने कनेक्शन किया था, क्या आप लोगों ने मना भी किया उनको कभी कि आप खुले तार से कनेक्शन करें, चलती हुई रास्ता है? बहुत बार मना किया, अपने दादागिरी से जबरदस्ती नेतागिरी से लगाता है, हम लोग मना कर चुके हैं बार बार। बिजली विभाग में इसकी कंप्लेंट की गई? बिजली विभाग वाले से भी बोला गया तो वो कुछ नहीं किए, वो अपने आप जबरदस्ती लगाता है। ये कब से कनेक्शन किए हुए हैं इस तरह से? ये करीबन 5-6 साल से हो गया ऐसा किया हुआ कनेक्शन, बार बार गांव के लोग बोलते हैं लेकिन मानता नहीं, सबके घर घर कनेक्शन जबरदस्ती ले गया है, पिछा के तार रंगा तार। आपने भी देखा? क्या देखा आप? क्या देखा आपने? हम खारी करा रहे हैं, यहाँ से हो गई घोराइन के हो तो बर्दा मार डाइस हो गए, वहन गए तो वहन करंट में फंसे रहा तो हो गए, तड़प तड़प ऐसी ऐसी हुआ हो रहा तो हो गए, हम हूँ आसू उसी मारे हम कहें हम भी अब हमहूँ का डर लागे कि हमहूँ का न पकड़ लिया, भुइया में तार गिरा रहा, अब उतार से उस अगले उन्हों को लड़काओं का पकड़ ली नहीं से और उन्हों को पकड़ ली नहीं से तार अब अर्दा वहाँ का दोनों गिर गई। हम हाट बांधे वाला तार बाहर आपके